बाबू देखना बोल अभी क्या करेगा, वहां से मिलेगा लेके आएगा पक्का। गुड बॉय। सीताराम वम सीताराम। अभी ओम को उठ के सीधे ओम 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 बहुत ज्यादा हो रहा है इसके लिए। ध्यान से देखिए उठ मुंह ना कर। मॉर्निंग का रूटीन सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। घोड़ियों को खाना डालना, पानी पिलाना, गायों का दूध निकाल लिया है। क्या होता है कि नवरात्रि में एक दिन जैसे कोई भी दिन वज्रराज का हमारा जो मंदिर है गाँव में वज्रराज मंदिर, तो वहाँ पे हम इसके प्रसादी के लिए हम लापसी बनाते हैं और साथ में आवड़ माता जी के लिए ढोकला बनाते हैं। तो बस अभी मैं वो पहले रेडी कर रही हूँ। तो ऐसे ढोकला बना के इसको बॉईल कर लेना है। रोटी जैसा है लेकिन बहुत छोटे छोटे पीस बनाते हैं हम इसके। तो ऐसे छोटा सा सर्कल बना के घी लगा के, और घी भी कल हम लोग खुपाई के घर से लेके आए क्योंकि अभी हमारे गाय मीरा एक ही है तो उसका मक्खन यूज़ हो जाता है। तो बाद में इसके ऊपर बेलन नहीं चलाना है, ऐसे ही करके रख देना, अंदर घी लगाए हुए पूरा का पूरा। ये रेडी हो गए तो 50% जैसे ये पक जाते हैं 5-10 मिनट में। जो दर दरा ठीक वाला होता है वो मैंने आटा लिया है, इसमें मुझे घी डालना है। इसको अच्छे से सेकना है 10 मिनट के लिए लापसी बनाने के लिए। यस, इसको क्या यहाँ पे लेके आए हो तुम? तो अभी यहाँ पे आटा है, इसमें मैंने घी ऐड किया है। अभी इसको धीरे 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 सेकने देना अच्छे से। घी में मैंने अच्छे से सेक लिया है इसको। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ये गर्म पानी जो मैंने ढोकले के लिए यूज़ किया था, वही मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके ये पानी ऐड करना है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड किया था तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है। तो अभी ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये 2 मिनट में ये थोड़ा थोड़ा जो पानी है भी निकल जाएगा। बाद में इसमें गुड़ एंड घी हम डालते हैं खाने के टाइम। आज मम्मी गए अभी बाहर, एक रिलेटिव के वहाँ जाना था। रामदेव भी उठा है, चाय रेडी है रामदेव के लिए। सी हो गई है रेडी। गुड़ की एंड ये जो ढोकला है वो सब कुछ रख दिया। अभी रामदेव पहले जाता है गांव में, प्रसाद धर के आता है और फिर हम खाना खाएंगे। बस ये करते हैं। तो अभी हमारे गेहूं इसमें से हम स्टार्ट करने वाले खाने के लिए। ये खोला है आज हमने। अच्छा ये ना, हमें इसको निकालने का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हमने कुछ जुगाड़ किया है, ये टायर लगाया है नीचे। तो अभी देखते हैं ये निकलेगा या क्या होगा। बकेट में डालना होगा जल्दी। बकेट ले लो बकेट। कौन सा बकेट है? हाँ, वो वाला। देखो ऐसे ऑटोमेटिक है। अभी देखना ऐसे करना पड़ता है। रख दे। इजी हो रहा है। आई टेक लॉक टाइम भी करें।
तेल में भरने का कारण ये है कि एयर टाइट हो जाती है, तो कोई भी इसमें जो क्या बोलते हैं छोटे छोटे नहीं, जिसको हम धनेरा बोलते हैं, तो वो नहीं आते, और एयर टाइट में होते तो कोई भी और मतलब गंदा नहीं होता। दवाई भी ऐड नहीं करनी, दवाई कोई भी दवाई ऐड नहीं करनी पड़ती। जब इस तरह से आप स्टॉप कर दोगे, फिर चाहिए होते ये बैरल, ये फुल हो गया। हाँ, वरना क्या होता है, बोरिक पाउडर डालना होता है, ऐसा कुछ ना कुछ इसमें मिलाना होता है। इसको ऑयल भी मिलाते हैं कुछ लोग, या एयर या जो होता है। ओ। और इस बार भी हम गेहूं लगाएंगे मूंगफली के बाद। अभी तो मूंगफली अच्छे से उसका पाक ले ले, फिर उसका भी ऑयल बेचेंगे हम। उसके बाद इस बार बालिया लगाएंगे गेहूं, जो गुजरात के फेमस गेहूं है बालिया, मतलब बंसी, लेकिन बालिया पुराने बंसी से भी और अच्छे खाने के लिए वो भी। तो हम बालिया लगाने वाले इस बार। अभी बाहू भाई सब यहाँ पे खा रहा है योगर्ट। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा योगर्ट है तो अच्छा है, तो खा लेते हैं। अभी इसको अच्छा लगता है योगर्ट। अभी बाहू के नेल कट करने, पहली बार हम घर पे ट्राई कर रहे हैं। चलो हो गया काम, डन, गुड बॉय, गुड बॉय। बाहू अभी धीरे धीरे थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है, वैसे होते ही है थोड़े से एग्रेसिव तो चिवावा। अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि काम बारती करती है इसका, वो लगाने का, इसको नहलाने का, नहलाना तो नहीं लेकिन इसको सिर्फ पानी से क्लीन करते हैं। लेकिन अभी दो दिन से क्या कर रहा है पता, मैं इसको सीधा बाथरूम में लेके जाके स्प्रे से सीधा सारे लेग्स वॉश कर देती हूँ, और ऊपर हाथ से ऊपर इसको कपड़े से, वो है क्योंकि वो दवाई लगाते थे ना पहले, इसलिए डर है, सीधा पानी से साफ कर देती हूँ। बाहू को बॉल के साथ खेलना अच्छा लगता है, वो बॉल हम कहीं पे भी डालते हैं और लेके आते हैं, वो उससे अच्छा है। जाने तो थोड़ा सा और एक बार दूर किया करता है अभी, देखने बाहू बाहू मुझे दे दो बस, जाओ गो बाहू, बॉल लेके आओ बाहू, जाओ थक गया, जाओ पांच बार होके आया ऑलरेडी, चले क्या अभी नहीं, वो एक बार गया तो गया सीधा, जा। ओके जाना है अभी, ओके। ओ गिर गया रास्ते में, हाँ ये इजी रास्ता है आगे से, यहाँ से आ जाओ। अभी नेल कट हो गए बाहू के, ओके चलो लास्ट टाइम ट्राई करते बाहू, थोड़ा सा दूर जाने वाला है देखना, अभी गो दौड़ो। गुड बॉय, अब ये बॉल से खेल रहा है ना, पहले तो ये बॉल से खेलता ही नहीं था ये। इसको ना रोज अगर एक्सरसाइज करवाएंगे तो वो कर लेगा ये। फिर क्या करते हैं इसको, इसका ही बॉल सुंगा के कहीं पे हाइड कर देते हैं ना, वो ढूंढ लाता है। ऐसा होता है? हाँ, मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड था टाइगर करके, पहले वाला, वो लाता था कोई भी चीज वो ढूंढ लेता था। लेकिन बहुत मेहनत लगती है, मतलब उसको रोज ट्रेन करना पड़ता है, 2 घंटे लगाने पड़ते हैं, 2 घंटे उसको एक्सरसाइज करवाते हैं। ये रूम में जाना, दो वहां से पे लेके आएगा उनके रूम में, देखना बाहू, देखना बोल
अभी क्या करेगा वहां से लेके आएगा, लेके आएगा पक्का। गुड बॉय। लेकिन वो ज्यादा मेरी गोद में प्रिफर करता है ना, जैसे ही बैठता हूं मैं वो जब नहीं, क्योंकि रामदेव कुछ काम में होता है तो जब वो आता है तब तो इतनी टाइम रामदेव के पास ही होता है, क्योंकि मैं इसको सुबह भी खाना खिलाती हूँ तो इसको पता है कि ये तो यहाँ पे ही है, साथ में ही है, तो जब तक रामदेव होता है रामदेव की गोद में बैठ लेता है। ओए लास्ट टाइम मैं बोल जाने दे रही हूँ, ठीक है लेके आना, ठीक है आ जाओ जाओ नहीं जाओ, वो सिर्फ किसी एक की बात सुनता है। नहीं जाएगा, एक बार नीचे उतर जाएगा। सोच रहा है अभी, कुछ प्लान चेंज कर दिया इसने। नहीं जाएगा। जाओ बाहु बोल लेके आओ, जाओ गुड बॉय। इसको पता है मुझे दे दो, बाहु बाहु मुझे चाहिए, बोल मुझे बाहु यहाँ पे, बाहु मुझे बोल चाहिए बाहु। नहीं अभी वहां पे जाएगा। और ओम और इन दोनों की मस्ती सुबह सुबह रोज स्टार्ट होती है। इसको पता है बाप बाप होता है। अच्छा लेकिन माँ माँ होती है, तोरी से जाके पूछो। नहीं तोरी के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तोरी को बेच दो, ये अच्छी नहीं है, ये ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ जानवरों में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन शिवा की डेथ हुई उसका मतलब ये नहीं है कि हम तोरी को बेच दें। नहीं उसमें तोरी की कोई गलती नहीं है, बहुत प्यारी है मुझे। तो ये तो उसका ऐसा क्या बोलते हैं कि पूरा कर्म जो होता है वो लिखा होता है, उसकी मौत भी लिखी होती है। 6 दिन के शिवा के लिए हम 2 साल से तोरी को रख रहे हैं, इसका 8 दिन जो भी है, तो ये नहीं होता। और जानवर जब हम रखते हैं, गाय भैंस घोड़ियाँ कुछ भी कुत्ते जो भी जानवर है हमारे पेट जो होते, तो उसके बच्चे मरते हैं, वो खुद भी मरते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सबसे हेट करने लगे। एक दिन एक मिनट के लिए हम लगता है कि ये गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये सारे डिसीजन तो नहीं ले सकते इसके ऊपर। नहीं अब अभी हम क्या करें तोरी की, हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं ताकि उसको भी पता है अभी उसको कि मेरा बेटा चला गया है। नहीं बेचेंगे, कभी नहीं बेचेंगे ऐसा नहीं होता। सारे जानवर में से कभी ना कभी बेचने भी पड़े, ऐसा भी हो सकता है, कभी उसको देना पड़ता है, लेकिन ये नहीं होता कि इसकी वजह से उसको बेच दे। हम बेचेंगे तब भी, आगे कुछ अभी प्लान नहीं है, अगर प्लान हुआ तो जरूर बताएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इसको रखना है, इसको अब नहीं रखना है इसके कारण, ये नहीं होता, ऐसे नहीं करना होता। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे मैं करता भी नहीं। हाँ, कोई कोई जगह पे किसी की डेथ हो जाती है, कोई ज्यादा बीमार होता है, तो कभी कभी लोग क्या बोलते हैं कि ये एनिमल अनलकी है, ये है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एनिमल तो वो बोल भी नहीं सकते, तो उसकी वजह से कुछ होता नहीं। अगर हम प्यार से रखेंगे तो वो हमें बहुत सारी दुआएं देते है, और इसीलिए एनिमल को दोष नहीं देना चाहिए। और तोरी का भी उसमें कुछ नहीं है, वो तो जो उसने फील किया वो उसने किया, तो इसमें कुछ हम बोल नहीं सकते। एंड ये भाई साहब को भी ऐसे ही खेलना है, मुझे दे दो बॉल, लेके जाओ, चाहिए ले जाओ, लेके जाओ बॉल, लेके जाओ। हाँ वहां से ट्राई करो, करो करो, गिरोगे नहीं, नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हारी साइज इतनी नहीं। करो करो ले लो। ओके मैं थोड़ा सा पास में देती हूँ, ले लो ले लो ले लो बाहु बोल। इसने गिव अप किया, इसको नींद आ रही है, जब इसको नींद आ रही है तो आंखें देखना इसकी। बाहु बहुत सारी केयर और बहुत सारी मेहनत के बाद जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था ऐसा बाहु अभी हो गया है। बाहु का भी एक क्रिटिकल टाइम आया था वैसे बीच में, वो बहुत बीमार हो गया था, कफ हो गया था इनमें। हमारे आसपास यहाँ तो कहीं भी नहीं है ये कलर, बहुत ही अलग कलर और होता है, वाइट और क्रीम कलर है, क्रीम हो गया ऊपर, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे वाइट मार्क है, ये सारा एरिया में ये क्रीम है, यहाँ पे वाइट है, पीछे भी थोड़ा वाइट है। और इसकी आंखें भी देखो, ये जो नुकरे घोड़े होते हैं ना जैसे, ये नीली आंखों वाला बिल्कुल, ये आंखें भी बहुत रेयर है, बहुत रेयर आंखें। बाहु बाहु ये एनर्जेटिक और बहुत प्लेफुल होते हैं ये चिवावा भी, इनको ऑल द टाइम खेलना होता है। बाहु बाहु बाहु
तो फिर बाहू के लिए ये हम लेके आए थे, अभी तो इसकी जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ ट्राई कर रहे हैं। इनके जो ओनर थे उन्होंने गिफ्ट किया था, हाँ साथ में दिया था ना। अभी देखते हैं ये साइज होता है या नहीं, अब ये क्या करेगा इसको देखने। चलो अच्छा लग रहा है, अभी तो इसका पूरा सिर इसमें से निकल जाएगा, वैसे बड़ा है लेकिन अभी वो देख रहा है कि कुछ है कैसे निकालो इसको। हम देखो ये थोड़ा सा लूज हुआ, नहीं ठीक है अभी वो सिर्फ चेक कर रहा है। सिर्फ चेक कर लिया, अभी रख दो इसको, कुछ नहीं करना इसको, बस एक धागा ऐसे लगा देंगे। मैं दिखाऊं, ये अभी निकालने की कोशिश कर रहा है इसको, मैं निकाल देती हूँ, रुको रुको निकाल देती हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ पे? पानी। ओके, तो अभी ओम को नहाना है तो इसके लिए पानी भरना होगा पहले। और हम देखें अभी गए गांव में, तोरी तोरी है यहाँ पे, शिवानी वहाँ पे, अभी दोनों को बाहर चेंज, अभी तो गीला है नहीं कर पाएंगे। इधर देख, यहाँ पे देखो, बस गुड गर्ल, ओके बस बस। अब इवनिंग का सारा काम स्टार्ट होगा थोड़ी देर में। क्या कर रहे हो तुम? ये टंकी पिकल वॉश की थी पूरी की पूरी, आज नहाना था तुमको कब से ना, मैं थक गई थी तो थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। और ओम, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, तो रामदेव और ये दोनों इसके हवा भरने का वो पंप ढूंढ रहे थे, तो इन लोगों को मिला नहीं है ना, सामने ही पड़ा था। जाओ अब लेके जाओ इसको, ठीक है? ओ भाई जो भी है जाओ। अपने टॉयज भी लेके गया, अभी पानी भर रहा है इसमें। हाँ उसको साइड में रख के वहाँ से यहाँ तक स्विमिंग करो, ठीक है? हाँ जल्दी चलो, ओके स्टार्ट, जल्दी करो। परफेक्ट, यस ओम को तो आता है ऑलमोस्ट, दिखाओ। हाँ देर से जाने का, चलने दो। परफेक्ट, गुड ट्राई, गुड ट्राई। अब मैं इसको पॉइंट करूंगा। ओके चलो, दो भी है। ओके वो कहाँ पे है? वो दूसरी साइड में है, देखो वहां पे पड़े। अब लास्ट वाला बात है, ऑल डन, मिल गया सर? हाँ मजा आ रहा है? बी ब्रेथ लेने पाए थे वाम वाम सीटा वाम और धी ओला वाम, मेरा जो वो स्कूल वाला डाइविंग का वो है वो आवा। अच्छा गूगल, ओके तुम अंदर देख, उसमें वो भी है? नहीं वो नहीं है, वो हमें सेपरेट ऑर्डर करना पड़ेगा, जब तुम स्विमिंग सीख जाओगे तो फिर हम वो ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? ओके नहीं अंडर वाटर का, हाँ अंडर वाटर का, हाँ वो मुझे जरूरत है। ओके सीरियसली? ओके
That's what I was saying. बहुत लोग था ना दोषी दोषी हुआ क्यों मूव था ना फिर मूव फ्लोटिंग हो जाए ओके मूव ग्लोटा तो ओके नहीं नहीं हुआ खत्म आते क्या है घर से के वो वेल डन